ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को गूगल एडसन अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि गूगल एडसन अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों ने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। दोस्तों अगर आप लोगों ने गूगल एडसन अकाउंट बना भी लिया तो भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो गूगल एडसन अकाउंट में मिस्टेक की है वो आप लोगों ने कैसे दुरुस्त करनी। उससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप द टेक लेक्चर यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो अभी जाए टेक लेक्चर को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि गूगल एडसन अकाउंट में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है। दोस्तों ज़्यादातर आप लोग कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं गूगल एडसन अकाउंट में जो आप लोग समझते ही नहीं है कि ये मिस्टेक है ही नहीं, लेकिन दोस्तों वही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि वहां पर एक ऑप्शन होता है जो है अकाउंट टाइप में, तो वहां पर एक होता है बिजनेस और एक होता है इंडिविजुअल। तो आप लोग ज़्यादातर क्या होते हो कि मेरी तरह जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया था बिजनेस, तो आप ही वहां पर बिजनेस सिलेक्ट कर लेते हो। उससे आप लोगों को एक क्या नुकसान है कि आपकी जब जो एडसन अकाउंट वेरीफाई होता है $10 के बाद, तब आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो आपकी फैक्ट्री वगैरह होती है। तो अब आपके नाम पे कोई फैक्ट्री होगी नहीं तो आप कहाँ से उसको डॉक्यूमेंट दोगे, तो फिर आपको बहुत बड़ी मुसीबत करनी पड़ेगी जैसे मुझे करनी पड़ी थी, अपना एडसन अकाउंट चेंज करना पड़ा। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है मसला पेश आ सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने जो है अपना अकाउंट ये एक बार जो सिलेक्ट कर लिया, मीन्स कि आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, तो आपका बिजनेस ही रहेगा। अगर आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया तो आपका वो इंडिविजुअल ही रहेगा। बाकी आप लोगों ने इस पर ज़्यादा जो है फोकस करना है कि ये आप गलती ना करें। बाकी ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि अपना एड्रेस जो होता है वो गलत लिख देते हैं। अब कैसे, फॉर एग्जांपल आपका NIC जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस पर आपका जो एड्रेस और होता है और आपका जो है गूगल एडसन अकाउंट पे एड्रेस और होता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो एड्रेस है गाँव का है, तो अब वही एड्रेस मेरा जो है गूगल एडसन पे होना चाहिए। अगर मेरा वो नहीं होता तो मेरी जो पिन है वो मुझे रिसीव नहीं होगी और मुझे फिर दोबारा से वो एडसन अकाउंट का जो एड्रेस है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप बार बार अपने एडसन अकाउंट का जो है एड्रेस वगैरह चेंज ना करें। गूगल को अगर आप पे थोड़ा सा भी शक हुआ तो आपका एडसन अकाउंट को जो है बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने हमेशा अपना एड्रेस जो है वही लिखना है जो आपके NIC पर है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग वहाँ का लिख देते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, वो एक बात अलग हो जाती है। जब आप लोगों को एक पिन आता है तो वहीं पे ही आता है जो आप लोगों का एड्रेस दिया जाता है। अगर आपका एड्रेस गलत हो और आपका CNIC मैच ना करे उस जो है अपने एडसन अकाउंट के साथ, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि अपने एडसन अकाउंट पे जो एड्रेस होता है वो कोई और लिख देते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमारा NIC पे होता है एड्रेस वो कुछ और होता है। जब आपके $10 हो जाते हैं अकाउंट में, तब आपका एडसन अकाउंट वेरीफाई होता है, तब वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वो कैसे कि आपका जो है एडसन अकाउंट शिनाख्ती कार्ड पर कोई और होता है, मीन्स आइडेंटिटी कार्ड पर आप लोगों का कोई और होता है और आपका जो है एडसन अकाउंट में आपका कुछ और होता है, तो जो है आपका जो है गूगल एक्सेप्ट नहीं करता वो जो है आपका NIC। तो वो ये समझता है कि कोई फेक बंदा अपना जो है NIC हमारे एडसन गूगल एडसन के साथ जो है लिंक करवा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो है आप लोगों ने करना। अब आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 3 बार रिजेक्ट हो जाते हैं गूगल एडसन अकाउंट में NIC अपलोड करते वक्त, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तब आपको टीम यूट्यूब के नुमाइंदे से ही बात करके जो है आपका मसला हल होगा। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर मुश्किलात पैदा होती हैं। अब क्या होता है, ज़्यादातर जब आपके $10 हो जाते हैं तब आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं कि आप अपना NIC अपलोड करना चाहते हैं या अपना जो है पासपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं या आप कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं। तो वो आप लोगों से एक वेरिफिकेशन मांगते हैं कि भाई हम ये पता कर लें कि ये वाकई कोई बंदा है या नहीं, मीन्स कि आपकी वो जो है एक आइडेंटिटी ले लेते हैं कि भाई इस नाम से ये बंदा जो है ये गूगल एडसन अकाउंट चला रहा होता है। तो आप लोगों को मैं यही बताऊँगा, गूगल एडसन अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों ने वही डिटेल्स देनी है जो आपके NIC पर हैं। सेम आप लोगों ने वही जो है डिटेल्स देनी है अपने गूगल एडसन में। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां होती हैं आप लोगों ने जो है बिल्कुल भी नहीं करनी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी ही नॉलेज मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।